इसमें क्या करना है, दोनों आपके पंजे अंगूठे मिले होने चाहिए, एड़िया मिली होनी चाहिए और आपने फिर बैठना है। गर्दन बिल्कुल ठीक सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल ठीक सीधी होनी चाहिए। हाथों को आप इस तरीके से हाथ रख सकते हैं और ऐसे कम से कम अपने 15 मिनट बैठना है। इसका लाभ तभी मिलेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट आप बैठिए और खाना खाने के बाद बैठेंगे तो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा और आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आप ज्यादा बैठ सकते हैं तो ज्यादा बैठ सकते हैं, आधा घंटा मैक्सिमम और 15 से 20 मिनट मिनिमम आपको बैठना है इसके लाभ के लिए। वज्र आसन है, शरीर बिल्कुल वज्र की तरह हो जाएगा, क्योंकि पेट अगर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। पेट गड़बड़ है तो आपको बहुत सारी बीमारियां, हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, दोनों पैर के अंगूठे आपके मिले हुए होने चाहिए, एड़ियां आपकी मिली होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सामने होनी चाहिए और इसका अभ्यास 15 से 20 मिनट आपने डेली करना है। पेट को मजबूत करने वाला आसन है वज्रासन। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो, अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाए तो आप पीछे हिप के पास में या पैरों के नीचे तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे तकिया लगा लीजिए या हिप जॉइंट पे।